नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे भारत के वायु परिवहन। तो दोस्तों, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब से हुई थी, कहाँ पे हुई थी, इन सब का जानकारी आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वायु परिवहन। दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम वायु परिवहन का शुरुआत 1911 में पहली बार भारत में हवाई जहाज उड़ाई गई थी इलाहाबाद से नैनी के बीच। दोस्तों, ये हमारा उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद है और नैनी है वहीं पे। तो यहाँ पर इलाहाबाद से नैनी के बीच पहली बार हवाई जहाज उड़ाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है 10 फरवरी 1929 को जीआरडी टाटा ने भारत में पहली बार हवाई जहाज उड़ाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1932 में टाटा एयरलाइंस चेन्नई से कराची के बीच में चला था। टाटा एयरलाइंस चेन्नई से कराची तक 1932 में। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1934 में इंडियन नेशनल एयरवेज नाम उसका चेंज किया गया। दोस्तों, 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना किया गया, फिर 1934 में इंडियन नेशनल एयरवेज उसका नाम परिवर्तन किया गया, इंडियन नेशनल एयरवेज। फिर 1 अगस्त 1953 को वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1 अगस्त 1953 को वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ। फिर उसको दो भागों में बांटा गया, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया इंटरनेशनल। इंडियन एयरलाइंस के अंतर्गत घरेलू उड़ानों को शामिल किया गया और एयर इंडिया इंटरनेशनल इसमें अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शामिल किया गया। फिर दोस्तों, 2007 में दोनों को मिला दिया गया, उसका नाम दिया गया है NACIL, द नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 2007 में दोनों को मिला दिया गया, NACIL नाम दिया गया। फिर दोस्तों, 2010 में पुनः नाम बदल दिया गया, उसका नाम एयर इंडिया रखा गया, एयर इंडिया 2010 में। अब दोस्तों, एयर इंडिया का लोगो नारंगी रंग का कोणार्क चक्रयुक्त उड़ता हुआ हंस है, ये आप देख सकते हैं एयर इंडिया का लोगो। अब दोस्तों, 1 अप्रैल 1995 को भारतीय वायुपतन प्राधिकरण की स्थापना, AAI की स्थापना 1 अप्रैल 1995। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ ICAO मुख्यालय कनाडा मॉन्ट्रियल में। अब दोस्तों, देख लेते हैं भारत में कौन कौन से महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन है। तो सबसे पहले शुरुआत हमारा गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। अमृतसर कहां पर है? पंजाब में है दोस्तों, अमृतसर पंजाब में है। तो पंजाब में है हमारा गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर। अब नेक्स्ट है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद। अहमदाबाद है हमारा गुजरात में दोस्तों, ये है हमारा गुजरात। गुजरात यहां पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद। अब देखते हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। दोस्तों, ये हमारा दिल्ली यहां पर है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। नेक्स्ट हमारा है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। वाराणसी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। और चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, ये भी उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में है। अब नेक्स्ट है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। गुवाहाटी दोस्तों असम की राजधानी है, ये हो गया असम की राजधानी गुवाहाटी, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई, इसको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता। दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में है कोलकाता। अब नेक्स्ट है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में जो भी फेमस चीज है बीजू पटनायक के नाम से है, तो ये हो गया हमारा उड़ीसा का भुवनेश्वर, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उड़ीसा, क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद तेलंगाना।
ये हो गया हमारा तेलंगाना, यहाँ पर है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, तेलंगाना में है दोस्तों ये। और ये जो है भारत का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, भारत का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना में, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है हमारा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, बेंगलुरु कहाँ पे है दोस्तों, कर्नाटक में है, तो कर्नाटक में है केम्पेगौड़ा बेंगलुरु, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। नेक्स्ट है कोयम्बटूर तिरुचिरापल्ली चेन्नई में है, कोयम्बटूर तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट चेन्नई, ये दोस्तों तमिलनाडु में है। अब एक है हमारा ये वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर, दोस्तों ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर है पोर्ट ब्लेयर, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है पोर्ट ब्लेयर में, ये भी महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट आते हैं अहिल्या देवी, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये दोस्तों कहाँ पर है, इंदौर में है, मध्य प्रदेश में है दोस्तों इंदौर, तो वहीं इंदौर में है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। अब आते हैं महाराष्ट्र में, ये हो गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है बी आर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है, महाराष्ट्र के नागपुर में। और एक है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है, दोस्तों मुंबई में, मुंबई में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और नागपुर में है, अंबेडकर और शिवाजी मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट हमारा दाबोलीम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पणजी गोवा, गोवा की राजधानी पणजी में है दाबोलीम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा है केरल में महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं, ये हो गया हमारा केरल, ये दोस्तों केरल है, तो केरल में कालीकट हवाई अड्डा है दोस्तों, ये वही कालीकट है जहां पे वास्को डी गामा पहले भारत पहुंचा था, और कालीकट तट पे वास्को डी गामा पहुंचा था उसी के याद में कालीकट हवाई अड्डा केरल में है। और कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हवाई अड्डा है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कुछ हवाई अड्डा कुछ विशेष कारणों से फेमस रहते हैं, उनको याद करना जरूरी है, जैसे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रीन फील्ड वाला एयरपोर्ट है हैदराबाद तेलंगाना का, तो उसी तरह से भारत का पहला सौर ऊर्जा वाला है कोचीन, यह पहला सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हवाई अड्डा है। अब नेक्स्ट है त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम, ये भी दोस्तों केरल में है, तो केरल में हमारे तीन महत्वपूर्ण हवाई अड्डा हैं। रायपुर में भी एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हमारा, रायपुर में भी, और एक है जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक है हवाई अड्डा है जयपुर नाम से, और श्रीनगर में एक है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये था हमारा प्रमुख हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।